चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मुगल वंश के। अगला एक, खिजी खां किस राजवंश का संस्थापक था? सैयद राजवंश का। अगला क्वेश्चन है, गियासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से द्वेष रखता था? निजामुद्दीन औलिया से। अगला है, बंगाल के द्वितीयक विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, महावीर का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था, इसका आधुनिक नाम क्या है? वासुकुंड। अगला है, खिजी खान ने किस खिलजी शासक के सेनानायक के पद पर कार्य किया? अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, किस सुल्तान ने अब्दुल रजाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? ये था खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने। अगला है, किस शासक के शासनकाल में अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया? शाहजहां के शासनकाल। अगला है, अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की थी? तो यह था शुजाउद्दौला ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? अमरकोट के राजा की शरण में। अगला है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस ने रो किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? यह जहांगीर के शासनकाल में। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? तो यह लॉर्ड एलन बरो। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने संस्मरण की लिखी? तो यह फिरोज तुगलक ने। अगला है, किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? सिकंदर लोधी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन दृढ़ता से स्थापित हुआ? बक्सर के युद्ध में। अगला है, बाह्य लिपि ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया? जेम्स फिनसेफ ने। अगला है, महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन थे? कौन बना? सुधर्मण। अगला है, जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने संभाला? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किसकी कीर्ति का विवरण देता है? पुलकेशिन द्वितीय की। अगला क्वेश्चन है, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? सावित्री को। अगला है, किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो यह उपगुप्त के प्रभाव में आकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया? समुद्रगुप्त को। अगला है, प्रसिद्ध प्रयोग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिशयन ने। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूट मार के लिए भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए? मलिक कपूर ने, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लेखकों की ऐतिहासिक कृतियों का नाम तारीख ए फिरोजशाही था? जियाउद्दीन बरनी, शमसे सिराज, अफीम की कृतियों का। अगला है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? दिल्ली के लाल किले की दीवाने आम में। अगला, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था?
आसफ जाही। अगला किसके वायसराय काल में तीन प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास, बंबई में हाईकोर्ट स्थापित हुए? जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। अगला है, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में? ऋग्वेद संहिता में। अगला है, किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? कुमार गुप्त प्रथम ने। अगला है, मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए? अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था? 17 बार किए थे इसमें आक्रमण। अंतिम आक्रमण का लक्ष्य था सोम मंदिर, सोमनाथ का मंदिर। अगला है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। अगला है, वास्को डी गामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट। अगला है, 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया था? गुरु ग्रंथ साहिब को। अगला है, दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? हाजी बेगम ने। अगला है, किसने मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? जहांगीर ने। अगला है, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया? ऋग्वेद में। अगला है, किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में स्थायी शासन की नीति अपनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सिकरी में। अगला है, फिलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट का शासक कौन था? आलमगीर दूसरी। अगला है, इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? इंद और अग्नि को। अगला है, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। अगला है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। अगला है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगला, 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। अगला, झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। अगला, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी, प्रकृति देवी और स्वास्तिक चिन्हों की। अगला है, नेत्र करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। अगला है, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान थे? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, खारवेल कहाँ के शासक थे? कलिंग के। अगला है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला है, रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? क्लर्क के रूप में कार्य करने के लिए। अगला है, विषम जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत। अगला है, नंदवंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट क्रमशः थे? तो महापद्म नंद प्रथम थे और अंतिम थे घनानंद। अगला है, किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी? कांची के पल्लव वंश को। अगला, हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ? इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? 622 में हुआ। हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से संबंधित है तिथि। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने।
अगला है दुध शासन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे 1772 में किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला है अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? वांडीवास। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? शाहजहां के शासनकाल में। अगला है किस किस वंश के शेषों पर चोल राज्य की स्थापना की गई? कांची के पल्लव वंश के ध्रुवंश शेषों पर। अगला है कालिदास की रचनाओं मेघदूत ऋतुसंहार विक्रम वर्षीय तथा रघुवंश में से कौन रचना नाटक की श्रेणी में आता है? केवल विक्रम वर्षीय, अन्य तीनों रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में आती हैं। अगला है अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों का पर नियंत्रण। सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण।